सोशल मीडिया पर रील बनाना नाबालिग को पड़ा भारी, पुलिस ने ट्रेस कर नाबालिग को किया पाबंद, परिवार वालों को भी दी हिदायत, रखें अपने बच्चों पर नजर। मौज मस्ती के लिए सोशल मीडिया पर कुछ गोलियां खाकर खुदकुशी का स्वांग वाली रील पोस्ट करने पर पुलिस ने नाबालिग को डिटेन कर उसे पाबंद किया है, तो वहीं परिवार को भी अपने बच्चों पर नजर और नियंत्रण रखने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। अजमेर पुलिस ने मुख्यालय से मिले इनपुट के आधार पर उसे पकड़कर पाबंद किया है। पूछताछ में सामने आया है कि उसने मनोरंजन के लिए चूर्ण की गोलियां खाकर वीडियो बनाया था। अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि सुसाइड के एक वीडियो को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से इनपुट दिया गया था। जांच करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर मुख्यालय दुर्ग सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। साइबर सेल की टीम इस मामले में आईपी एड्रेस ट्रैक कर वीडियो बनाने वाले नाबालिग तक पहुंच गई। टीम की ओर से नाबालिग की पहचान गुलाबबाड़ी निवासी के रूप में की गई। पुलिस टीम नाबालिग के घर पहुंची और वीडियो के संबंध में पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसने ये वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाकर अपलोड कर दिया था। इस पर टीम ने नाबालिग और उसके परिजनों से समझाइश की, साथ ही भविष्य में इस प्रकार की कोई भी पोस्ट नहीं डालने के लिए पाबंद किया। पुलिस अधीक्षक ने अपने मैसेज में भी कहा कि परिजन अपने बच्चों पर नजर रखें। सोशल मीडिया का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं ज्ञान के लिए भी होता है, लेकिन बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं जो चिंतनीय है। इसलिए अभिभावकों को भी अपने बच्चों के मोबाइल और उन पर नजर रखनी होगी। देखिए, आजकल जो है एआई का जमाना है और एआई के ज़माने से और जो आपके हम जिसे कहते हैं जो सोशल मीडिया है उस पर कुछ इंडिकेटर्स डाले जाते हैं। उन इंडिकेटर्स से जो मेटा है वो तुरंत उस चीज़ को सेपरेट कर लेती है, तुरंत उसको मार्क कर देती है। तो इस तरह की कोई भी घटना होती है, अमेरिका वगैरह में ये बहुत पहले से चल रहा है, वहाँ यदि कोई जो वर्ड उन्होंने चिन्हित किए हैं यदि उस वर्ड का इस्तेमाल करता है तो तुरंत उसको जो है संबंधित को मैसेज पुलिस को पहुंच जाता है। इस तरह का एक अभिनव प्रयोग राजस्थान पुलिस द्वारा किया जा रहा है कि अमूमन कई लोग जो है आजकल सोशल मीडिया पर हताश होकर या वैसे ही अपना जो है कोई वीडियो डाल देते हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, चाहे तो वो हताश है, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए है या किसी और वजह से है। कई बार यूँ भी जो है देखता हूँ क्या होता है, तो एक सूचना हमें रात को मिली थी, परसों रात को, जिस पर हमने हमारी जो यहाँ की लोकल टीम है डिस्ने एस पी को अलर्ट करके और जो उनकी टीम जो यहाँ काम करती है और जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनकी मदद से, क्योंकि इसमें लंबा प्रोसेस चलता है क्योंकि ये वीपीएन के जरिए जो है ये सारी कार्रवाई होती है, तो उसमें आईडी निकालना टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हमारी टीम सफल रही। उसमें एक वीडियो जो निकला उसमें फिर उन्होंने पूछताछ की 3-4 घंटे की, तो एक लड़का है ब्रजमोहन पुत्र गंजाम निवासी मिस्त्री मोहला गुलाबबाड़ी अजमेर। जब उसे इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं जो है जस्ट मनोरंजन के लिए मैंने ये वीडियो डाल दिया था। तो मैं सबसे निवेदन यही करूँगा और मेरी अपील भी रहेगी युवा कि इस तरह की जो है सस्ती लोकप्रियता या इस तरह की जो ये इंस्टा पर इस तरह के जो मजाक हैं या इस तरह की हरकतें ना करें। सोशल मीडिया आपकी एक सपोर्ट के लिए है, उसमें आप अच्छे अपने आप को जो अच्छा काम है आपका उसको प्रेजेंट करें, नेगेटिविटी उसके माध्यम से ना करें। अजमेर पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्टंट्स के भी कई वीडियोज आ रहे हैं। अभी एक हाल ही में एक वीडियो और आया है कि किशनगंज थाने के सामने से बाइकर्स हैं स्टंट करते हुए वीडियो कर रहे हैं, इन तरह को इन पर किस तरह की कार्रवाई है और इसके लिए क्या पाबंदी रही चलेंगे? देखिए, एक पहले भी स्टंट आया था, एक थार व्हीकल या जीप है उसमें जो है साइड में खड़े होकर वीडियो बनाना, ये रील बनाने के चक्कर में आजकल बच्चे जो हैं वो थोड़े से जो है अति उत्साहित होकर ये काम करते हैं, फिर दुष्परिणाम भी हैं। बहुत जगह हादसे हुए हैं, पहाड़ के किनारे खड़े होकर रील बनाना और स्लिप हो गया तो जान ही चली जाती है। तो ऐसे ये सो कॉल्ड स्टंट्स बिल्कुल अपनी जान जोखिम में डालकर जो करते हैं मूर्खता है, इस मूर्खता को पेरेंट्स भी समझें और अपने बच्चों को समझाइश करें। देखिए, पेरेंट्स का भी रोल है, पेरेंटिंग उनका काम है, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में रखें। बच्चे को अगर आपने मोटरसाइकिल दिलवाई है तो कम से कम उसको हेलमेट और जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो उसको आप उसको समझाएं कि ये ज़रूरी हैं, और जान है तो जान है, ये चीज़ फार्मूला अगर रखें ध्यान में, तो मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी काउंसलिंग करें, हमारे को पता लगेगा, हम बिल्कुल लीगल अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं।